हेलो गाइस, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं रॉयल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें पेट्रोल, डिटॉल और फेविक्विक को एक साथ मिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे का रिएक्शन क्या होता है। मुझे भी पता नहीं है कि आगे का रिएक्शन क्या होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास एक ग्लास में पेट्रोल है और एक डिटॉल है और एक फेविक्विक है। देखते हैं कि इस फेविक्विक को इसमें मिलाने से और डिटॉल को मिक्स करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डिटॉल को हम पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही यूज करते हैं और अब बारी है इस फेविक्विक को इसमें मिक्स करने की। गाइस, यार एक कमाल की चीज़ आप लोगों को दिखा रहा है कि देख लीजिए, इसमें एक छोटा छोटा सा डॉट डॉट से बूंदा अलग हो रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो ऊपर हो गया और डिटॉल जो है नीचे हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, और ऊपर से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल जो है वो ऊपर हो गया है और डिटॉल जो है वो नीचे चला गया है। और देख सकते हैं कि पेट्रोल के अंदर में कुछ छोटे छोटे बबल्स लावा की तरह उछल रहे हैं। तो अब बारी है फेविक्विक इसमें मिक्स करने की। तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है और देखिए, 1 2 3 गाइज, या रोज़ क्या पिक आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेट्रोल जो है वो ऊपर मिक्स हो गया है और डिटॉल नीचे की तरफ जमा हुआ है। तो इसमें देखते हैं, और वह गिलास गर्म हो चुका है यहाँ पर, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फेविक्विक जो है पूरा जम चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको हम दोस्तों इसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फेविक्विक जो है कि पूरा भरता बन चुका है और यहाँ पर मिक्स भी नहीं हो पा रहा है। वाह, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पेट्रोल डिटॉल और फेविक्विक को मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, पूरा भरता बन चुका है यहाँ पे। पता नहीं ये क्या वाइट वाइट आ गया है। तो देखा आप लोगों ने कि पेट्रोल डिटॉल और फेविक्विक को मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा हो गया। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक ला जय हिंद।